मतलब सुशी अच्छी लगती है कभी-कभी, बट कभी-कभी लगता है अरे यार चावल ही तो है, एंड इट्स जस्ट पाइनएप्पल ऑन पिज्जा खाया, दैट्स द मोस्ट वियर्ड कमेंट। और ये जो मैक फ्लोट है, नहीं नहीं वो अच्छा लगता है, यार दैट इज गुड, मतलब मैक फ्लोट इज वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने मैं जब कॉलेज में थी तो सबसे सस्ती कोल्ड ड्रिंक वही थी, सस्ती सबसे सस्ती तो कोक फ्लोट ही पीती थी मैं, सस्ती बट जहर, जलेबी दही भी बहुत, अरे तो यूपी वाला थे, यूपी वाले भैया का। हाय, दिस इज समृद्धि शुक्ला, दिस इज फरमान हैदर, एंड टुडे वी आर डूइंग अ लंच बॉक्स स्टोरी विद बॉलीवुड स्पाई। सबसे पहले अर्शी की तरफ से ये पास्ता है जो इनकी मम्मी, थैंक यू अर्शी की मम्मी, सो थैंक यू अर्शी की मदर। क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम नफीस बानो है। नफीस बानो जी, थैंक यू, तो बहुत ही डिलीशियस मुझे लग रहा है, मुझे लगता है खा के इसे मजा आएगा, और पास्ता मेरा फेवरेट। ओह वाओ, मैंने बताया कि आप कुछ ऐसा बनाया जो पसंद है। सो हमारे प्रोडक्शन में जो नज़ीर हैं उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे लिए खाना लेके आए हैं, देखते हैं क्या है। सो ये दाल है, आई थिंक माँ की दाल है ये, माँ की दाल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? आई थिंक हरी, हाँ आई थिंक दिस इज मसूर, माँ की दाल है, और रुचि है, और राइस हैं, शुक्ला जी के घर से आई थिंक दाल आई होगी, हाँ देखो दाल है। हाँ मुझे तड़के वाली ही अच्छी लगती है, तो मम्मी नोज़। और ये घी डाल के चावल आते हैं इनके घर से। अच्छा नहीं, ये लौकी चने की दाल आई थी, लौकी चने जो नॉर्थ साइड है उनको समझ में आएगा, दिस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन जो बनता है, तो इनके घर से आलू टमाटर बहुत आता है, आलू टमाटर की सब्जी जो ग्रेवी में होती है और बहुत कमाल की। तो चलो लेट्स स्टार्ट सर्विंग। सो व्हाइल यू गाइस आर ईटिंग आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस, ऑल्दो दिस इज एक्चुअली अ टेबल रूल कि खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आई थिंक फैंस को भी चाहिए होगा कि आप बात करें, सो वी कैन थोड़ा सा उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि खाते टाइम बात कर लेंगे। सो द फर्स्ट वन दैट वी वांट टू नो इज हु इज द बिगेस्ट फूडी। आई थिंक वी बोथ, या आई थिंक वी बोथ आर, तो फूडी तो सभी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों वी डोंट फाइट, एक्चुअली हमारी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हमें कभी लड़ने की जरूरत नहीं होती, अगर हम भी कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो हमारे साथ, आई थिंक लास्ट टाइम कोई एक चीज के लिए मैंने बोला था ये मेरे लिए बचा कर रखना समथिंग समथिंग, बट यूजुअली जब हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो दूसरा वाला गिव अप ही कर देता है, इट्स नॉट लाइक नहीं नहीं नहीं, so it's a quite peaceful fight। और हम तो दोनों के साथ हमारे जो कुछ लोग हैं जैसे जया है, मंगेश सर हैं, सचिन हैं, सबके लिए हम क्वांटिटी उतनी मंगवाते हैं कि सब लोग आराम से खा सकें बिना ये कैट्स एंड डॉग्स के जरा लड़ाई झगड़े की। कोई भी ऐसा ना हो जिसका कहते हैं कि जी भर के खा नहीं पाया। हाँ खाना कभी भी कम नहीं पड़ता है, कभी कम नहीं पड़ता है। So what was your favorite food as a kid? As a kid, I remember, तो it was not my favorite food, but it became favorite क्योंकि मुझे याद है कि मैं स्कूल से वापस आती थी कुछ 12:30 एक बजे मैं खाने के लिए बैठती थी, तब खिचड़ी बनती थी, मैं अपने दादी के रूम में जाती थी, छोटा सा रूम था और दादी का रूम इतना अच्छे से सजा रहता था हमेशा, she was very creative, तो उनका रूम सजा होता था, मैं जाती थी वहाँ, दादी के रूम में टीवी था, वहाँ बैठ के मैं बेबी लूनी टून्स लगाती थी एंड आई यूज़ टू वॉच दैट एंड हैव खिचड़ी एंड दही चीनी, तो मैं दही मीठा वाला दही खिचड़ी में डालती थी, आई यूज़ टू ईट इट इन माय हैंड्स एंड दैट्स लाइक द मोस्ट फेमस मेमोरी आई हैव, द मोस्ट बेस्ट मेमोरी आई हैव विद माय दादी। बहुत अजीब लगेगा सुनने में, सो चावल के ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ उसको बूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीनी को जो पीसते हैं, क्या बोलते हैं, पिसी हुई चीनी को हमारे यहाँ यूपी में बूरा बोलते हैं, हाँ तो चावल के ऊपर बूरा डाल के और उसके ऊपर देसी घी डाल के, क्योंकि मैं मीठा बहुत खाता था बचपन से और अभी तक बहुत खाता हूँ, तो मैं स्कूल से आने के बाद वो खाता था, क्योंकि स्कूल के टिफ़िन में क्या होता है नॉर्मली पराठे हो गए, सैंडविच हो गया या कुछ और मम्मी ने बना लिया, तो उसके अलावा घर पे आने के बाद खाना बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा मीठा चाहिए होता था,
तो मैं चावल लेता था, उसमें पूरा डालता था, उसके ऊपर देसी घी डालता था, और मैं और मेरे दादा हम दोनों बैठ के आराम से खाते थे। ओके, आई रिमेम्बर हैविंग सच काइंड ऑफ थिंग वाज जो कोकोनट होता है ना, नारियल, उसको पूरा ये कर लेते, कद्दूकस, हां कद्दूकस कर लेते और फिर उस पे शक्कर डाल के, आई यूज्ड टू ईट दैट, दैट वाज एक्चुअली रियल। सो वो हमारे साइड पे डेली मिलता है। हां, इस चीज से मुझे एक और याद आया जो एक बहुत फेमस और बहुत जल्दी वाला स्नैक था जो घर पे हमेशा, मतलब कुछ भी होता था तो मम्मी वो दे देती थी अगर टाइम कम होता था। दूध रोटी चीनी मिक्स करके, या तो दूध ब्रेड चीनी, इतना खाया, इतना खाया। बहुत ही देसी बच्चे हैं। हाँ एक्चुअली, लेकिन मजा आता था। और चीनी वाज आल्सो समथिंग, दही चीनी, दही चीनी मैंने अभी भी खाया दो दिन पहले, कर्ड राइस जो मीठा भी अच्छा लगता है। Food that reminds you of family. हाँ, मैं बता दूँ, ठंड में यहाँ जैसे भाकरी बोलते हैं, हाँ, उसे हमारे यहाँ बगड़ की रोटी बोलते हैं। ओके, तो मेरी नानी ठंड में चूल्हा जो मिट्टी का बना होता है, हाँ, वो हमारे टेरेस पे है, हाँ, शेल्टर के नीचे, तो वहीं हम हाथ तापते हैं, ठीक है, वहीं उस चूल्हे पे उल्टा तवा होता है, ठीक है, वो गोल वाला पुराने ज़माने का, उस पर वो बगड़ की रोटी बनाती हैं, और हम लोग उस पर एक चटनी होती है, मतलब हरा धनिया, पुदीना, उसमें मिर्चें डाल के वो चटनी बनाती हैं, उसके अंदर देसी घी डाला जाता है और उस चटनी को फ्राई किया जाता है, ठीक है, फिर बगड़ की रोटी पे देसी घी लगाकर उस चटनी के साथ हम लोग विद सैलेड वैलेड ये सब, तो वो हमारा एक है फैमिली का जो बहुत ही नॉर्मल है। और एक होती है कच्ची अम्बी, कच्चा आम जो होता है, एक उसकी ग्रेवी बनाई जाती है कच्ची, हाँ, आमी की, yes, उसकी चटनी बनाई जाती है, yes, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कहीं नहीं मिलती और हम सब परिवार बहुत शौक से खाते हैं। wow, so वो आम भी हमारे ही बाग के होते हैं। अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं तो बोलूँ, मैं तो, मेरे को याद आता है अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं तो बोलती हूँ मेरी मम्मी तो नहीं, ऐसा नहीं है। सी, बचपन में मम्मी पापा वो खिलाते थे जो उन्हें समझ में आता था। अब मम्मी पापा को हमने ऐसा कर दिया कि मम्मी मेरे टिफिन में पैनकेक्स बनाती हैं और वो सारी चीजें करती हैं जो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करो आप। बट ट्रस्ट मी, मम्मी पापा जो खिलाते हैं ना वो आपकी बॉडी में दिखता है। अगर आप कैंडीज खाएंगे या बाहर के मोमोज बर्गर खाएंगे तो आप वैसे ही दिखोगे। अगर आप हेल्दी खाओगे तो वो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपकी एनर्जी, वो सब मैटर करता है कि आपने क्या खाया है। तो मुझे कोई शर्म नहीं, हमने बहुत देसी खाया गया और मैं हमेशा देसी खाना खाता हूँ। मेरे पापा मेरे गांव सिटी से 11 किलोमीटर दूर, हाँ, वो जाते हैं दूध लेने के लिए, yes, तो हमारे फार्म पे गाय भैंसे हैं तो वहाँ से वो जाके दूध लेके आते हैं, फिर वो पीते हैं, हमारे यहाँ उसी का पनीर बनेगा, दही बनेगा, छाछ बनेगी, तो सब घर का है। तुमको पता है गर्मियों में तो एक साइकिल के ऊपर एक होता था गोला जिसे बोलते, यस यस, तो बर्फ को घिसते थे, हाँ, नीचे से अच्छा, एक गोला लगाते थे, उसमें एक स्टिक डाल के उसको शेप देते थे, फिर उसके ऊपर वो फ्लेवर्स जो होते हैं फ्लेवर्स डाल के, तो वो घंटी बजाते थे टिंग 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 टिंग, तो मुझे समझ आता गोले वाले भैया आ गए, गोले वाले भैया आ गए। तो हम गर्मियों में वो खाते थे, बुढ़िया के बाल, वो वाले भी ऐसे ही आते हैं घंटी बजा के, बुढ़िया, हाँ, के बाल, बुढ़िया के बाल हो गए, वो भी आते हैं। और वो सब खाने से इतना मना करते थे पापा, और ये कैंडीज वाला जो आता था वो कलर वाला फूड मत, ब्रश जैसी शेप की कैंडीज बनाता था, क्या बोलते हैं उसको, ब्रश जैसी शेप की, एक आता ना कैंडीज, कैंडी फ्लॉस जैसे, वो पता है वो मिंट वाला, अलग अलग शेप्स बनाते थे वो, दूसरा नाम बताओ, यूपी में शायद दूसरा नाम, पर वो चीज सेम ही होती है हर जगह, नाम डिफरेंट होते हैं। स्कूल मुझे ब्रश चाहिए होता था। Okay, so Samriddhi and Farman, if you get a superpower to eat without getting fat, or you get a superpower of eating for free, what would you choose? Eating for free, मतलब? Eating without paying a price. Eating without fat. Okay.
without getting So I would love to eat kaju katli, motichur laddu, kalakand, rabdi, और गुलाब जामुन रसगुल्ला उसके अलावा जितनी मिठाई है यार कुछ भी दे दो मुझे मैं सब खाऊंगा आपके लिए क्या होगा मेरे लिए भी आई थिंक ईटिंग विदाउट गेटिंग फैट बिकॉज आई थिंक हमारे वर्क शेड्यूल में पॉसिबल भी नहीं होता है कोई फिजिकल मूवमेंट एज सच तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो इफ वी वर गिवन दिस बून तो मैं रोज कुछ ना कुछ चटपटा खाती मीठा खाती या ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती है जो बहुत ख़राब होती हैं आपके लिए जैसे चिप्स पैक्ड फूड मैगी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है समोसा कचौड़ी जलेबी छोले कुलचे जलेबी जलेबी रबड़ी जलेबी दही भी बहुत जलेबी दही जलेबी दही जैसे यूपी वाला था यूपी वाले भैया का ये यूपी कॉम्बिनेशन है खट्टा मीठा यूपी वाले लोगों की तरह I recently had this रबड़ी जलेबी वो तो दही जलेबी एक अलग कॉम्बिनेशन है जो दही जलेबी इज आल्सो वेरी नाइस आज खाने का मन हो रहा है यार अगर एक फ्लेवर कोई भी रखना है जैसे कि स्वीट बिटर सार सॉल्टी मीठी सॉल्टी स्वीट आई डोंट हैव इतना स्वीट टूथ लेकिन सॉल्टी ज्यादा है मतलब मुझे सॉल्ट के बिना नहीं चलता है कुछ ना कुछ सॉल्टी चाहिए और मैं नाश्ते में मीठा नहीं खा सकती घेवर पता है घेवर हां 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 पता है पेठा घेवर अबे तो बहुत सारा घी डलता है और चाशनी डलती है तो घेवर यहां मिल नहीं रहा है मुझे हां अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट्स में बता देना कि कहां मिलता है बता देंगे मुझे लगता है घेवर है पेठा है ठीक है पेठा तो मैंने भी बहुत खाया गजक हमारे यहां एक पता है बताशे बोलते हैं उनको जो चीनी के बताशे होते हैं जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं ठीक है अच्छा वो शक्कर के उसको दूध में डालते हैं ना सो जन्माष्टमी में आता था तो हाथी घोड़ा बनाते थे हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया नाल के तो ये नारा होता था शायद याद है बट वही है या नहीं बताशे वैसे बताशे हाँ जो कड़क कड़क शक्कर होती है ना वो ऐसे एकदम वाइट कलर की वैसे जो मेरे पास एक बहुत बड़ा बुरा एग्जांपल है वो जैसे कोविड का वायरस बनाते हैं वैसे शेप में वही ना वही शेप में होता है वाइट में मीठा हाँ वो तो प्रसाद में होता ही है वो होता है फिर गट्टे खिलौने फिर क्या बोलते हैं तो मेरे अंकल मतलब एक अंकल थे हमारे यहाँ पंडित जी तो वो उनके घर से हमारे घर में होल किया हुआ था मेरे दादा उनसे बात करते थे तो उससे मुझे बुलाते थे अरे हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के कहाँ है तू तेरे लिए हाथी घोड़े लेके आया हूँ तो शुगर का हाथी घोड़ा बनाते थे तो वो पूजा करने के लिए लेके आते थे और पूजा के बाद मुझे दे देते थे कि तू खा सच में फरमान आपको बहुत बड़ा स्वीट हाँ बहुत सारा तो आप स्पाइसी खा पाते हैं बिल्कुल नहीं ऐसे ये नदीर भाई खड़े हैं सब पूरे प्रोडक्शन बताए ये दोनों मेरे घर से खाना लेके आती हैं तो उस दिन कोई मिर्च मसाला नहीं होगा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं इंडियन फूड इंडियन फूड या एशियन फूड ओके इफ यू वर किंग एंड क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड तो कौन सा खाना आप सबको खिलाना चाहते और कौन सा बैन करना चाहते मैं मोमोज बैन कराता हूँ हाँ मैं मोमोज बैन कराता हूँ मुझे नफरत है मोमोज नहीं यार अच्छा कच्चा मैदा आप बताओ हेल्थ के लिए अच्छा है कच्चा नहीं वो स्टीम्ड है स्टीम्ड है अरे भाई तो बहुत चीजें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है उसको खींचने बैठोगे तो टूटेगा नहीं पक्का मैं बोल रहा हूँ वो डाइजेस्ट होने में कितनी डिफिकल्ट होगा यार तंदूरी मोमोज भी होते हैं हाँ नहीं खाने अरे तंदूरी मोमोज भी होते हैं वो तंदूरी वाले होते हैं यस एंड वो खिंचते भी नहीं सो सॉफ्ट हां आई डू लव मोमोज आई वुडंट फील मुझे नहीं रहना उस वर्ल्ड में मैं जो हेल्थ के लिए अच्छा हो मैं बताता हूँ वाइट बटर मिलता है जो पंजाब में सबसे ज्यादा मिलता है वाइट बटर पे जो पराठे होते हैं होल व्हीट पराठे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आलू का स्टफ होता है और उसके साथ पालक पनीर सरसों का साग
और एक ग्लास लस्सी, ये यूनिवर्सल होता है। भाई खाओ पियो और उसके बाद आप उठ ही नहीं पाओगे। आप सोते रहोगे सारा दिन। So that will not generate fat in you. What just Momo is the generating fat. Samriddhi, what would you do if you were a quitter? I think I will not any particular kind of food, but I think food for all because I think there's a lot of hunger. So I feel like हर किसी को कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए, ये एक होना चाहिए। बाकी I think there's one Robin Hood community also. Yes. If you know, बॉम्बे में एक रॉबिन हुड कम्युनिटी है जहाँ पे कितना भी रेस्टोरेंट्स का बचा हुआ खाना हो, ये जैसे हमारे घर पे खाना बचा हुआ है रात का और हम सपोज फेंकने वाले हैं, तो वो लोग खुद आते हैं, कलेक्ट करते हैं और उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है या जो दो वक्त की रोटी नहीं अफोर्ड कर पाते, उन लोगों तक खाना पहुँचाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूवमेंट एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स गो ऑन संडेज एंड दे डू दिस। It's very good. Somebody please have pasta. I had. My appetite has become इतना कम ना, मैं बहुत खाती हूँ but मेरी appetite इतनी कम हो गई ना, मुझसे खाया ही नहीं जाता आजकल एकदम। ये भीम है, छोटा भीम। I eat a lot. और ये little सिंघम, ये बिल्कुल नहीं खाती है। छोटे छोटे डब्बे होंगे वो भी बच के घर चला जाता है। मैं भीम में भी भीम की कालिया हूँ जो बहुत खाता था। वो नहीं 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 नहीं, अरे बहुत खाना लगता है मुझे। ओके, सो व्हाट मील इन योर लाइफ एवर मेड यू क्राई? एक याद है मुझे, मैं जब भी खाती थी तो मैं अपने घर का पहला बच्चा हूँ, मतलब इन द सेंस मम्मी पापा का पहला बच्चा, और दादी के साथ हमेशा रही हूँ, दादी दादा के साथ। और ये तो मैं थोड़ी सी स्पॉइल्ड थी, मतलब मैं थोड़ा खाना वाना खाया, चावल वावल थोड़े छूटे हुए हैं, एक और छूटा हुआ है इधर उधर, तो मेरी दादी देखती थी। मेरी दादी ने फिर मुझे एक कहानी सुनाई, उन्होंने बताया कि तुम्हारे परदादा यानी उनके जो फादर थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो वो और नानी जेल में रहते थे, दादी के पास खाने तक के कुछ वो इंतज़ाम नहीं होता था, तो उनकी जो वहाँ पे कंपाउंड में जो एक रहती थी, गवर्नमेंट ने एक जगह दी थी उनको बंगला रहने के लिए, वहीं पे कंपाउंड में एक दादी थी जिनको वो दादी मानती थी, वो दाल का पानी उनको पिलाती थी क्योंकि दाल भी नहीं होती थी प्रॉपर, मतलब इतना हंगर होता था उस समय, खाने का इंतज़ाम वगैरह नहीं होता था, तो वो दाल का पानी पिला देती थी और उसमें, तो वो बोलती थी कि हमारे पास तब इतनी फैसिलिटी थी नहीं और तुम्हें आज मिल रहा है और तुम नहीं खा रही हो। और उन्होंने बोला कि जब उनके मम्मी पापा वापस भी आ गए थे तब वो थोड़ी स्पॉइल्ड हो गई थी, तो एक बार मेरे परदादा ने पर नाना जी ने उनको पैर से पकड़ के उल्टा लटका दिया था नीचे, मतलब ऐसे पैर पकड़ लिए और पूरा उल्टा लटका दिया छत से, कानपुर में रहते थे वो, तो उन्होंने बोला उसके बाद मैंने आज तक नहीं छोड़ा, और वो कहानी सुनने के बाद आज तक मैं खाना नहीं छोड़ती, प्लेट में एक चावल का दाना अभी भी आपको नहीं दिखेगा। आई डोंट नो, उस कहानी ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है। मैंने देखा भी क्या है तो नहीं चावल का दाना। हाँ नहीं, एक भी नहीं छूटता सच में इसी कहानी की वजह से। आपको किसी मील ने रुलाया जैसे? मैं बहुत ही नकचढ़ा बच्चा था तो मेरी मम्मी पापा हमेशा बोलते थे अब नहीं। अच्छा ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, हम अभी नहीं बोलेंगे। ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं खाऊंगा, ये क्यों किया, वैसा क्यों बनाया, ये नहीं पसंद है मुझे, और मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, तो मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा खाने को जो तुम ऐसे देख के नाक चढ़ाते हो ना वो बहुत बड़ा गुनाह है। बच्चा था मैं, ठीक है समझा, और मम्मी बोलती थी एक दिन तुम्हें हाथ के खाने के लिए ना बेटा तरस भी जाएगा, चले जाके दिखाऊंगा 4-5 दिन के लिए नानी के। अब जब मैंने घर छोड़ा तो मुझे घर से बाहर लमसम 10 साल हो गए, तो अब जब भी मैं खाना खाता हूँ ऐसा तो मुझे याद आती है कि माँ के हाथ का खाने की बात अलग होती है, तो जब भी मैं घर जाके वापस आता हूँ और फिर मैं यहाँ का खाना खाता हूँ तो ऐसे कि यार क्यों, हाँ इमोशनल हो जाता हूँ, तो मुझे याद आती है। तो ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो मैं कहीं खाता हूँ और फिर मुझे अपनी मम्मी के हाथ के खाने की याद आती है और मैं उन्हें फ़ोन किया बोलता हूँ अरे आपके हाथ का खाना चाहिए, तो क्या कहती है मैं क्या करूँ, कोरियर कर दूँ, ये कर दूँ, मैंने खाना ख़राब हो जाएगा यार। I know. Overrated food is what? I think मोमोज बोलेगा, ओवररेटेड है तुम्हारे लिए, यू डोंट लाइक द हाइप, यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या है इतना क्रेज इसका।
हाँ यार मेरे लिए मोमोज तो नहीं हो सकता। अब तो हम इनको खिला के छोड़ेंगे। आई फील मेरे लिए सुशी काइंड ऑफ, आई एम काइंड ऑफ स्कैर्ड इवन सेइंग इट, सुशी मतलब अग्री टू यू, मतलब सुशी अच्छी लगती है कभी-कभी, बट कभी-कभी लगता है अरे यार चावल ही तो है एंड इट्स जस्ट सुशी। सबको बनाना नहीं आता। हाँ दैट्स ट्रू, कोई कोई लोग ही अच्छा कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को बनानी आती है। यस दैट्स आल्सो ट्रू। यू शुड ट्राई डिमसम राधा मोमो। यस फूड कॉम्बो दैट साउंड्स वियर्ड बट एक्चुअली टेस्ट गुड। दही जलेबी, इट साउंड्स द मोस्ट वियर्डेस्ट। मेरे मम्मी पापा ने जब बोला था दही जलेबी, मैंने बोला दही जलेबी खट्टा मीठा, जब खाया तो आई वॉज फुल्ली सोल्ड, आई वॉज लाइक ये सही है, ये सही है। यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा ऐसा कुछ है। वियर्ड कॉम्बिनेशन, पाइनएप्पल ऑन पिज्जा खाया, दैट्स द मोस्ट वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट मैंने खाया नहीं है तो बता नहीं सकती। ठीक है वो। फिर चॉकलेट डोसा भी होता है, इट्स अ वियर्ड थिंग। या दैट्स दिस मैगी डोसा। अरे पता है क्या, मैंने हां देखा भी रिसेंटली कि वो स्ट्रिंग डाल के उसके अंदर मैगी डाल के वो बना रहे थे, वो भाई ऐसे क्या क्या डाल के स्ट्रिंग रेड कलर वाली ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक उसके अंदर डालकर और उसमें मैगी डाल के, और कोई कुछ भी कर रहा है और लोग खा रहे हैं बेवकूफों की तरह। मैंने क्या जहर खा रहे हो यार आप लोग। और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं मैंने, आइसक्रीम एंड चाय, आइसक्रीम एंड चाय आल्सो। क्या या आइसक्रीम एंड चाय। और ये जो मैक फ्लोट है, नहीं नहीं वो अच्छा लगता है, यार दैट इज गुड, मतलब मैक फ्लोट इज वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने मैं जब कॉलेज में थी तो सबसे सस्ती कोल्ड ड्रिंक वही थी, सस्ती सबसे सस्ती तो कोक फ्लोट ही पीती थी मैं। सस्ती बट जहर नहीं अच्छा था वो, सस्ती बट जहर। आई लाइक्ड इट, आई लाइक्ड इट। बट व्हाट इज दिस ब्लडी कॉम्बिनेशन, कोल्ड ड्रिंक विद आइसक्रीम, इट्स गुड एक्चुअली, इट्स गुड। एंड यू नो दिस इज दिस कोल्ड ड्रिंक विद आइसक्रीम एंड विद फ्राइज आल्सो पीपल ट्राई। फ्राइज आई कांट पुट फ्राइज विद, मैंने सुना है मुझे लगता है ये सब खाने के बाद जिंदा रह पाएंगे या नहीं। अरे मैं जिंदा हूं देखो, कोक फ्लोट पी के बहुत पिया है मैंने। College life. Okay. So here we come to an end of our lunchbox story. I hope you enjoyed it. Yes. Yeah. Okay. Lots of memories from childhood. And I think ये हमारा last interview होगा एक साथ। जब तक हम अगला project कोई साथ में नहीं कर लेते। हाँ। हाँ। And Samriddhi ma'am का short ready है। So yes, finally, बहुत time से plan हो रहा था of course and yes. finally I could join you for the lunch. I hope you like the pasta. अरे यार मैं सब मैंने खत्म किया है। हाँ मेरा contribution थोड़ा कम था but मुझे भी उतना ही अच्छा लगा। चलो amazing. Thank you so much. Thank What you. What message would you like to give to the fans? अरे बहुत हेल्दी खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीना। अपने आप को हाँ मैं अपने आप yes, खुद को भी बोलना कोल्ड ड्रिंक मोमोज बिल्कुल मत खाना, इन लोगों की बातों में बिल्कुल मोमोज अच्छी जगह का वो कभी कभी खा सी कभी कभी खा सकते हैं, कभी कभी चीट करना इज गुड। ऑल द गर्ल्स आर गोइंग टू स्पैम यू इन कमेंट सेक्शन, डू नॉट से एनीथिंग इवन इफ यू आर फेवरेट ऑफ ऑल द फैंस हु वॉचेस सावी। आई एम सो सॉरी, मोमोज के लिए आपको तो स्पैम। मोमोज बहुत अच्छी चीज है, आपको खाना चाहिए और मैं भी खाऊंगा और हम सब मिलके खाएंगे। I think next momos के साथ story कर लो आप, momos वाली ही story करो आप, फरमान and momos करवाई दो। Next story is gonna be that. Yeah. All right. Thank you. Thank you.